ओके सो हे गाइस बस्ता वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो को कुछ ही स्टेप्स में एडिट करके आप इस टाइप का कैसे बना सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो गाइस आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तो गाइस तीनों के तीनों स्टेप जो है सारे एंड्रॉइड के लिए होने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग जो है एंड्रॉइड फोन में आप इजीली एडिट कर लोगे, तो आपको जो है गाइस वीडियो को ध्यान से देखना है, गाइस कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि गाइस अगर आप एक भी स्टेप को मिस करते हो तो गाइस आप काफी कुछ इस वीडियो का हमेशा मिस कर दोगे, एंड जो है गाइस आप फोटो को अपनी मतलब कि एक अच्छा लुक नहीं दे पाओगे। तो गाइस आप लोगों को जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड गाइस अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो है गाइस आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को जो है अपनी फोटो में चेक करना है कि आपकी फोटो में जो है बैकग्राउंड में ब्लर है या नहीं, ठीक है। तो मतलब कि आपको जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो ये वाली फोटो है इसमें गाइस ब्लर जो है बिल्कुल भी नहीं है। बट गाइस हमारे इसमें पहला स्टेप यही है, हमें मतलब अपनी फोटो को एक मतलब अच्छा लुक देने के लिए हमें पहले बैकग्राउंड में ब्लर देना है। एंड गाइस वो किस तरीके से ब्लर देना है आप सभी को वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को जो है अपनी फोटो को जो आपको मॉडल को रिमूव करना है, देन गाइस उसमें ब्लर को ऐड करना है। एंड आपको कैसे करना है गाइस वो मैं बताता हूँ आपको गाइस मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस फोटो में ब्लर डालने के लिए पहले आप सभी को ओपन करना है गाइस रीटच ऐप को, ठीक है। रीटच ऐप को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे गैलरी में से आपको अपनी पहले फोटो को ऐड करना है। एंड गाइस फोटो को ऐड करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको अपनी फोटो को पहले ऐड कर लेना है। एंड गाइस जब आप अपनी फोटो को ऐड कर लोगे तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। एंड गाइस उसके बाद जो आपको फोटो को अपनी जूम करनी है। एंड गाइस उसके बाद आपको सबसे स्टार्टिंग में आपको नीचे की तरफ एक ब्रश वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको उसको सिंपली क्लिक करना है। एंड आपको गाइस जहाँ जहाँ से आपको अपने मॉडल को रिमूव करना है आपको सिंपली वहाँ से सिलेक्ट कर लेना अपने इसको, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे जो है गाइस मैं बैकग्राउंड रिमूव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको गाइस बोल रहा हूँ कि भाई फोटोज जो है हमारी उसमें से आपको अपने मॉडल को रिमूव करना है। वो गाइस क्यों करना है, क्योंकि गाइस जो जब आप गाइस अपने यहाँ से मॉडल को जब आप रिमूव करोगे या फिर अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगे एंड डायरेक्टली ब्लर डालोगे तो गाइस आपका जो मतलब एज इज है लास्ट में जो मतलब कि आपके जो बॉडी का जो एंड पार्ट है वो जो है वो भी गाइस ब्लर होने लगता है। तो गाइस इससे जो है गाइस एक फोटो में जो एक फेक लुक आता है, जिससे गाइस ऐसा लगता है कि जो ब्लर है हमने खुद से ही डाला है। तो गाइस ऐसा लुक हमें नहीं देना पड़ा अपनी फोटो में, तो गाइस इसलिए आपको ये रिमूव करना है। जब गाइस यहाँ से आप अपनी मतलब किया जो है मतलब नीचे से भी आपको थोड़ा सा इरेज कर लेना। एंड गाइस जो आपका जो मतलब लास्ट वाला एरिया जहाँ पे गाइस आपको शेडो ना बनानी पड़े वो वाले एरिया को जो है आपको रिमूव नहीं करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे गाइस मैं जहाँ बैठा हूँ मैं गाइस उस एरिया को रिमूव नहीं करूँगा यहाँ से। एंड इतना रिमूव करके जो है गाइस इसको मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। अब इसको सेव करने के बाद जो है गाइस यहाँ से मैं सिंपली अपनी फोटो को सेव करके एंड इसको मैं डालना, अब हमें इस फोटो में डालना है ब्लर। अब वो ब्लर कैसे डालना है गाइस उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है गाइस यहाँ पे आपको स्नैपशीट ऐप का, आपको सिंपली गाइस स्नैपशीट ऐप में आपको अपनी फोटो यहाँ पे ऐड करना है। एंड यहाँ पे ऐड करने के बाद जो आपको अपनी फोटो को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जो है गाइस यहाँ से आपको जाना है ऐसे टूल्स में, आपको गाइस यहाँ से बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसमें चले जाना है। एंड उसके बाद जो है गाइस आपको जाना है ब्लर वाला ऑप्शन, ठीक है गाइस। आपको सिंपली इसको एक समझ लग के छोटा कर देना है एंड इसको ले जाना आपको नीचे की साइड में, ओके गाइस। सो इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है, आपको गाइस इस पर एक बार प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको विग्नेट वाला ऑप्शन है जो इसको माइनस कर देना है। एंड जो गाइस जो ब्लर स्ट्रेंथ है आपको उसको भी थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से रख लेना, आपको जितना ब्लर चाहिए होगा पीछे आप उतना ही रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, अब गाइस यहाँ से आपको अपनी फोटो को कर लेना सेव। तो गाइस देखा आप सभी ने, जैसे ही गाइस मैंने एकदम इजी स्टेप में आप सभी को बताया कि गाइस आपको अपने मॉडल का जो मतलब आपको अपने मॉडल को रिमूव कैसे करना है एंड गाइस उसमें गाइस आपको ब्लर कैसे ऐड करना है। अब गाइस बारी आती है हमारी इसमें मॉडल को ऐड करने की, ठीक है। तो गाइस आपको मॉडल को कैसे ऐड करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस चलिए आप चलते हैं हम सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस मॉडल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइस पिक्सार ऐप का। एंड गाइस डायरेक्ट हम यहाँ पे फोटो को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ओपन हमने कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं यहाँ पे अपने मॉडल को। एंड गाइस आपको जो है गाइस आपकी जो सबसे पहली फोटो है जिसमें से गाइस आपने अपने मॉडल को रिमूव किया था आपको सिंपली उस फोटो को यहाँ पे पहले ऐड करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको उस फोटो को ऐड करना है। फिर आपको गाइस जाना है इरेजर टूल में, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे आपको इन्वर्ट करके देखना है आपकी जो ब्लर वाली फोटो है वो आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइस यहाँ पे आपको सभी को जाना है इरेजर टूल में, एंड इसकी हार्डनेस को आपको यहाँ पे फुल करना है। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे साइड में मतलब कि जो आपको अपने मॉडल को छोड़ के आपके बैक साइड में इस तरीके से आपको पेंट करना है, ठीक है। तो गाइस इसको मैं करता हूँ यहाँ पे फटाफट, एंड उसके बाद बताता हूँ आपको करना क्या है।
सो गाइस अब जो है हमने अपनी फोटो में अब ब्लर भी ऐड कर दिया है, बट गाइस अब इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है हमारी, जो कि गाइस हमारी फोटो को यहाँ से यहाँ ले जाएगा। तो गाइस वो चीज कैसे करनी है आप सभी को, चलिए चलते हैं अब सीधा फोन के स्क्रीन पर। सो गाइस सबसे पहले आपको ओपन कर लेना गाइस लाइट रूम ऐप, एंड उसके बाद गाइस आपको फोटो की करनी है आपको लाइटनिंग आपको ठीक है। तो उसके लिए गाइस पहले आपको यहाँ पे जो इसका कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे आप कर देना है कम, एंड उसके बाद जो इसमें लाइट हाईलाइट्स आपको इसको भी यहाँ पे कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको करना है क्या है गाइस, यहाँ पे आपको शेडो मिलेगा, आपको गाइस फोटो की जो डिटेल है वो वापस लाने के लिए आपको शेडो को बढ़ाना है, एंड गाइस ब्लैक को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। फिर गाइस आपको व्हाइट को जो यहाँ पे कम कर देना है, एंड उसके बाद आपको जाना है गाइस यहाँ से कलर्स में, आपको गाइस यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेचर को जो है कम कर देना है। फिर उसके बाद गाइस इतना हो जाने के बाद आपको ये करना है गाइस आपको इसमें यहाँ से चले जाना है कर्व टूल में, कर्व टूल में जाने के बाद गाइस व्हाइट कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड गाइस इसमें पहले गाइस बनाऊंगा मैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका 3 पॉइंट्स बना लेते हैं, एंड यहाँ पे नीचे इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे टोटल गाइस हमारे 5 पॉइंट्स बन चुके हैं, बट हमें 3 चाहिए थे, 2 बने हुए रहते हैं पहले से ही। तो गाइस सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, एंड जो गाइस यहाँ से जो ऊपर से सेकंड लास्ट है इसको हम गाइस यहाँ से नीचे की तरफ करेंगे, एंड उसके बाद जाएंगे हम कलर्स में, एंड ऊपर जाएंगे हम मिक्स में, एंड उसके बाद यहाँ से ये ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसका सैचुरेशन कर देंगे माइनस, एंड इसका सैचुरेशन जो है इसको हम कर देंगे प्लस। फिर उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, यहाँ से लेना है गाइस यहाँ से येलो कलर, एंड इसका जो सैचुरेशन है आपको इसको यहाँ पे हल्का सा कम कर देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डार्क ब्लू में, आपको इसका ह्यू जो है गाइस माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका सैचुरेशन इसको इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कर देना है डन, एंड उसके बाद जाना आपको गाइस 3 पॉइंट्स में, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस आपको गाइस देखिए, जैसे ही गाइस यहाँ से आपको जो है गाइस यहाँ से भी आप कलर्स को छेड़ सकते हो, जैसे गाइस हमें यहाँ पे ब्लू टोन चाहिए हल्का सा तो हमें यहाँ से भी दे सकते हैं, बट गाइस अगर आप इस तरीके से नहीं देना चाहते हो तो गाइस आपके पास और भी ऑप्शन है आप किस तरीके से दे सकते हो। पहले तो गाइस यहाँ से हम देखिए गाइस ब्लू टोन को दे लेते हैं, या फिर गाइस आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक यहाँ पे जा जाओ एरो वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ से भी गाइस कुछ भी कोई सा भी टोन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमें गाइस ब्लू कलर चाहिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड चलते हैं यहाँ से हम जो है इस वाले मिड टोन में हम यहाँ पे गाइस इसका जो है येलो टोन में रखेंगे, एंड इसका सैचुरेशन जो है हम यहाँ से बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो अगर ह्यू आपको कोई और रखना होता है वो भी रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे गाइस मैं रखूँगा इसको येलो टोन के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे हम येलो या फिर हम ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ पे ग्रीन भी परफेक्ट लग रहा है। तो अब गाइस यहाँ पे हाईलाइट है तो गाइस इसका जो हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे, एंड जो इसका टोन है गाइस यहाँ पे हम इसको रखेंगे ब्लू, ठीक है। तो गाइस यहाँ से इतना हो जाने के बाद आपको जो है गाइस सिंपली यहाँ पे आपको जो है मतलब कि यहाँ से आप रखना चाहो तो यहाँ से येलो भी रख सकते हो, तो यहाँ से हम येलो रखते हैं, एंड इसको करते हैं यहाँ से डन। अब गाइस इसमें चलते हैं वहाँ से मिक्स में, एंड यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करके इसका जो सच ह्यू है हम इसको माइनस करते हैं, एंड जो ल्यूमिनस है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा प्लस कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद जो इसका ल्यूमिनस हम हल्का सा बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से कर देते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको जाना है इस वाले टूल में, एंड यहाँ पे जो है गाइस फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज करना है आपको, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है गाइस वो डालना है, ठीक है गाइस अपने फोटो को ऑडेंट, एंड उसके बाद गाइस आपको ज़्यादा विग्नेट भी नहीं डालना है, हल्का सा विग्नेट डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा आप ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे दूसरे टूल में, फिर यहाँ पे गाइस आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, एंड जो गाइस फोटो में नोट रोशन में डाल देना है, एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर नोट रोशन मिलेगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जो है फोटो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। सो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा हमने सिर्फ 3 स्टेप में हमने फोटो को जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए एडिटिंग एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर गाइस आप लोग भी कुछ इसी तरीके की फोटो एडिटिंग करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइस मुझे वहाँ पे जिसकी फोटोज पसंद आती है गाइस उसको मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन करता हूँ। तो गाइस अगर आप चाहो तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम को जाके चेकआउट कर सकते हो, गाइस इंस्टाग्राम को जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार गाइस चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गाइस मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।